मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी सूजी से मिठाई बनाएंगे, जिसे कि आप सूजी की रस भरी कह सकते हैं, और इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप चीनी, आधा कप सूजी, 3 चम्मच नारियल का बूरा, 3 चम्मच मिल्क पाउडर, आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और 1 कप दूध। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 1.5 कप चीनी, 1.5 कप। अब हम गैस को ऑन करके गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और बराबर से चलाते हुए चाशनी को हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर चीनी को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चाशनी बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर, जिससे कि इसमें फ्लेवर आ जाए। जिस तरह हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमें इसे बनाकर तैयार करना है। और 3 से 4 बूंद इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, जिससे कि चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को हम एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम सूजी की मिठाई बनाने के लिए सूजी का डो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, 1/2 कप सूजी। यहाँ पर हमने बारीक वाली सूजी का यूज किया है और सूजी को हम हल्का सा भूनेंगे। कलर चेंज होने तक सूजी को हमें नहीं भूनना है, बस 1 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। तो जैसे ही सूजी हल्की सी भून जाए, तभी हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, पर दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और अच्छे से मिलाते हुए सूजी का हम एक चिकना सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो को हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। तो यहां पर आप देख सकते हैं सूजी का हमने बिल्कुल स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और हल्का सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें ठंडा नहीं करना है। तो जो हमने सूजी का डो बना कर रखा था, हल्का सा ये गुनगुना है, तभी हमें इसे हाथों से अच्छे से मसलना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये डो बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच नारियल का बूरा, 3 चम्मच ही इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, जिससे कि जो ये मिठाई है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने। और सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और इसका हम फिर से मसलते हुए डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जितना अच्छे से मसलते हुए हम डो बनाएंगे, मिठाई उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर हमने मिठाई के लिए मिश्रण बनाकर तैयार कर लिया है। तो जितनी बड़ी लोई हम पूरी के लिए लेते हैं, उसी के बराबर इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे।
और अच्छे से मसलते हुए इसे हम गोल करेंगे ताकि इसमें एक भी क्रैक ना रहे। और हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसे हम इस तरह टिक्की की शेप देंगे। शेप आप इसमें कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। या फिर आप इस तरह लोई को गोल करें और कांटे से इस तरह फ्लावर की शेप दे दें, जिससे कि देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक इसी तरह हम साड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने साड़ी ही बनाकर तैयार कर ली है और यहाँ पर हमने घी को गर्म होने रख दिया था, तो घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो जब एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और धीमी धीमी आंच पर दोनों ही साइड से इन्हें हम सेकेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हमने इन्हें फ्राई करके तैयार किया है और बहुत ही ज़्यादा देखने में ही अच्छी लग रही हैं। तो बस इन्हें हम प्लेट पे निकालेंगे और ठीक इसी तरह हम सारी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी फ्राई करके रख ली हैं। तो जो चाशनी हमने बनाई थी उसे हम फिर से गर्म करेंगे। और जब चाशनी अच्छे से गर्म हो जाए तभी सारी सूजी की मिठाई को हमें चाशनी में डाल देना है। आधे मिनट तक गैस हम जलने देंगे, उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। और इन्हें हम ऐसे ही गर्म चाशनी में रहने देंगे, ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से इनके अंदर तक चाशनी जाए और ये बहुत ज़्यादा फूलकर सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर सूजी की मिठाई को रखे हुए आधे से पौन घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में ये कितनी अच्छी लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। तो इन्हें हम आपको कट करके दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी हैं। तो बस जब भी आपका मीठा खाने का मन करे सूजी से मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और त्यौहार पर भी इसे आप बना सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं ये। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।